जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उत्तरी बीजेपी विधानसभा इलेक्शंस में फिर से जीत चुकी है। बीजेपी ने तीन बड़े राज्यों में जीत हासिल की है, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। कांग्रेस सिर्फ इन जो पांच राज्य हैं उनमें एक में ही जीत हासिल कर पाई है, वो है तेलंगाना। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि लगभग आज से 3 या 4 महीने बाद लोकसभा इलेक्शंस होने हैं और ये जो चुनाव थे इसे एक तरह से सेमीफाइनल कहा जा रहा था। तो क्या 2024 की जीत की गारंटी अब भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है? चलिए अब एक नजर डालते हैं इस बार के इलेक्शंस के परिणामों के ऊपर। देखिए, इन पांच राज्यों के चुनावों में तीन राज्य ऐसे थे जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी सीधी टक्कर थी। तेलंगाना और मिजोरम में एक तरह से त्रिशंकु या हम बोल सकते हैं अन्य दल भी वहां के जो रीजनल पार्टीज हैं वो वहां पे लड़ रहे थे। देखिए, राजस्थान की कुल सीटें थी 199, बहुमत के लिए चाहिए थी 100 सीटें, तो भाजपा ने 115 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 69 और अन्य को मिली हैं 15। भाजपा यहां पे 44 सीटें अधिक जीती हैं इस बार और कांग्रेस ने अपनी जो 39 सीटें थी वो गवा दी हैं। और यही नहीं, राजस्थान के जो 17 मंत्री हैं वो भी इस बार का चुनाव हार चुके हैं। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कुल सीटें हैं 230 और बहुमत के लिए चाहिए थी 116 सीटें। भाजपा ने यहां पे 163 सीटों में जीत हासिल की है और कांग्रेस ने 66 सीटों पे और अन्य के खाते में आई है मात्र एक। यदि मध्य प्रदेश की भी तुलना हम 2018 के चुनावों से करें तो भाजपा को यहां पे 36 सीटों का फायदा हुआ है और कांग्रेस को यहां पे 30 सीटों का नुकसान। अब छत्तीसगढ़ के परिणामों की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल सीटें थी 90 और बहुमत के लिए चाहिए थी 46 सीटें। भाजपा यहां पे 54 सीटों पे इस बार विजय हुई है और कांग्रेस को यहां पे 35 सीटें मिली हैं और अन्य के खाते में आई हैं एक। यदि हम छत्तीसगढ़ की तुलना 2018 के इलेक्शन से करें तो भाजपा ने यहां पे 40 सीटें अधिक जीती हैं और कांग्रेस को 36 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। और अब बात करते हैं तेलंगाना की। अभी तक जितने भी ये तीनों राज्य थे इसमें जो टक्कर थी वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही थी, लेकिन अब बात हम करेंगे तेलंगाना की, जहां पे 3-4 पार्टीज इकट्ठे आपस में चुनाव लड़ रही थी, जिसमें दो रीजनल पार्टीज थी। एक तो थी अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी और दूसरी थी बीआरएस, भारतीय राष्ट्रीय समिति। तेलंगाना में कुल सीटें थी 119 और बहुमत के लिए चाहिए थी 60 सीटें। कांग्रेस को यहां पे 64 सीटें मिली हैं, बीआरएस को 39 सीटें मिली हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसको सिर्फ 7 सीटें मिली हैं और भाजपा को 8 सीटें मिली हैं और अन्य के खाते में आई है मात्र एक। कांग्रेस को यहां पे 45 सीटों का फायदा हुआ है और बीआरएस को 49 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। देखिए, तेलंगाना में भाजपा जीती नहीं है, पिछली बार उनकी सिर्फ एक सीट आई थी, इस बार उन्होंने 7 सीटें ज्यादा ले ली हैं, जो कि जो अकबरुद्दीन ओवैसी जो वहां की रीजनल पार्टी है उनसे भी ज्यादा ली है। तो हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी का वहां पे परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। इन चुनावों में जो सबसे बड़ा फैक्टर चला है वो है नरेंद्र मोदी की गारंटी। यूं तो गारंटी शब्द भारतीय राजनीति में नया नहीं है, इसे पहले चुनावी वादों के रूप में लिया जाता था, लेकिन ये शब्द इतना ज्यादा यूज कर दिया गया है कि जनता को इस शब्द पे ही विश्वास नहीं रहा है। आपको याद होगा कि केजरीवाल मंच पर खड़े होके बहुत ही शानदार तरीके से बोलते थे, ये केजरीवाल की गारंटी है, ये आप पार्टी की गारंटी है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने अपनी गारंटी दी तो ये सब गारंटियां उनके आगे फीकी पड़ गई। दूसरा है एम फैक्टर। एम का मतलब होता था मुस्लिम, लेकिन 2023 आते आते अब एम का मतलब हो गया है महिला, क्योंकि इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस विधानसभा इलेक्शंस में हिस्सा लिया है, वोटिंग की है। तीसरा फैक्टर इसे भी कहा जा रहा है, कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बहुत ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और उसे ट्रेंडिंग में भी चला रहे थे। फेसबुक या ट्विटर से आप जीतने की हवा तो बना सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते, उसके लिए आपको धरातल पे काम करना ही पड़ता है। इन चुनावी परिणामों के बाद कांग्रेस को बीजेपी से ये सीख लेनी चाहिए कि धरातल तक अपने संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए और विधानसभा इलेक्शन प्रोफेशनली किस प्रकार से लड़ा जाए, क्योंकि अब जो कांग्रेस है वो मात्र तीन राज्यों में ही सिमट कर रह गई है, एक तेलंगाना, कर्नाटका और तीसरा है हिमाचल प्रदेश, जहां पे भी जीत का जो परसेंटेज था
वो एक से भी 1% से भी नीचे था। लेकिन अभी भी कांग्रेस में कुछ नेता गांधी परिवार को ही पार्टी से ऊपर मानते हैं, क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है उसका श्रेय तो वो राहुल गांधी जी को दे देते हैं, लेकिन जहां पे पार्टी हार जाती है वहां पे वो सारा का सारा जो ठीकरा है वो मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के ऊपर फोड़ देते हैं। देखिए, अब हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी कि जो ये चुनाव हुए हैं इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है आने वाले भारतीय राजनीति के ऊपर। तो जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं, चाहे वो क्षेत्रफल के अनुसार हों, चाहे वो लोकसभा सीटों के अनुसार हों, इस समय भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय भारत में 16 राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के पास इस समय 16 सीएम हैं उन्हीं के पार्टी के, जिसमें आने वाले समय में राज्यसभा चुनाव भी होने हैं। यदि हम 2024 की बात करें, जुलाई अगस्त के बीच में ही 65 सीटों के ऊपर राज्यसभा चुनाव होने हैं। इसका सीधा सीधा असर जो अभी नया अलायंस बना है बीजेपी के खिलाफ I.N.D.I.A उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि 6 दिसंबर को ही उनकी दिल्ली में बैठक है और ये जो चुनावी परिणाम आया है इससे अब देखना होगा कि उनके बीच में एकजुटता कितनी बनी रहती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।